इतना है कि वो किसी भी कंपनी को पीछे कर देगा। मतलब 700 से ज्यादा बल्क कैरियर है ओल्डन डॉफ के पास। सबसे बुरी खबर तो ये है कि ये लोग इंडियंस को ज्यादा लेते ही नहीं है, ओल्डन डॉफ ये इंडियन ऑफिसर्स को लेती है। इतना जबरदस्त जहाज, रेड कलर का पूरा जहाज था, उसके पास खुद का उनका क्रेन, उनका शूटर, सब कुछ खुद का ही। हेलो एवरीवन, मैं हूँ थर्ड ऑफिसर शुएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो आज बात करते हैं हम लोग ओल्डन डॉफ की। हाँ, ओल्डन डॉफ मोस्टली लोगों ने तो ये नाम कभी सुना ही नहीं होगा, और अगर कोई सुना भी है तो वो मेरे एक पिछले शॉर्ट्स में देख के सुना होगा कि हाँ ओल्डन डॉफ करके भी कोई कंपनी है। जो भी एस्पिरेंट हैं या मोस्टली जो अभी कैडेट हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब सबके जबान में बस एक ही नाम रहता है, एक नाम नहीं मतलब तीन चार नाम रहता है, एंग्लो ईस्टर्न, सिनर्जी, स्कॉर्पियो, MSC, यही सब रहता है। बट कभी किसी को ओल्डन डॉफ या फिर बहुत ऐसी कंपनी है जिनके बारे में पता ही नहीं है, और ये लोग बस यही कंपनी जो DNS के लिए स्पॉन्सरशिप देती है उनके बारे में सोच के बस कोई ड्रीम कंपनी बनाए बैठे हैं। बट जब सी में निकलोगे तब पता चलेगा कि बहुत ऐसी कंपनी है जिनके सामने ये सब कंपनी तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही एक कंपनी है ओल्डन डॉफ। ओल्डन डॉफ एक ऑनरशिप कंपनी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ बल्क कैरियर है, और बल्क कैरियर भी इतना है कि वो किसी भी कंपनी को पीछे कर देगा। मतलब 700 से ज़्यादा बल्क कैरियर है ओल्डन डॉफ के पास। 700 मतलब एक ऑनरशिप कंपनी जिसके पास 700 बल्क कैरियर, सोचो क्या कंपनी होगा, मतलब कितना बड़ा कंपनी। मैनेजमेंट कंपनीज के पास 600-700 होता है वो चलता है, क्योंकि वो अलग अलग ऑनर्स लेके किसी से मैनिंग कर रही है, किसी के जहाज को पूरा मैनेज कर रही है, वो अलग चीज है। बट ऑनरशिप के पास 700 जहाज, मतलब ये अपने आप में ये खतरनाक चीज है। और दूसरा चीज, ओल्डन डॉर्फ जर्मनी की कंपनी है, इसके पास जितनी भी जहाज हैं या तो जैपनीज बिल्ट है या कोरियन बिल्ट है या फिर जर्मन बिल्ट है, मतलब जहाज का क्वालिटी भी बहुत जबरदस्त। और सबसे बुरी खबर तो ये है कि ये लोग इंडियंस को ज्यादा लेते ही नहीं है। मतलब मोस्टली सभी कंपनी, जितने भी इंडिया में कंपनी है, इंडिया नहीं वर्ल्ड में जितनी भी कंपनीज हैं वो सब मोस्टली इंडियंस को प्रेफर करती हैं, बट इस कंपनी में बहुत कम इंडियन है। ऐसे ये नहीं कहते हैं कि इंडियंस को नहीं लेती है, मतलब इंडियंस बहुत कम है, क्योंकि अभी ये लोग कुछ साल से इंडियंस को लेना स्टार्ट किए हैं, और इंडियंस में भी सिर्फ ये लोग ऑफिसर्स ही लेते हैं, क्रू नहीं लेते हैं, क्योंकि इंडियन क्रू बहुत बदनाम है। मतलब मार्केट में तो बहुत बदनाम है कि इंडियन क्रू काम नहीं करते। इसीलिए कोई भी कंपनी, चाहे ओल्डन डॉफ या कोई भी कंपनी, अगर उनको क्रू लेना हो तो मोस्टली सब फिलिपिनो क्रू को ही प्रेफर करते हैं। तो अब ये जो कंपनी है ओल्डन डॉफ ये इंडियन ऑफिसर्स को लेती है, तो ये कैसे लेती है? इनका ऑफिस है मुंबई में, और जहाँ तक हमको पता चला है, हम कंफर्म नहीं है बट हमको भी पता चला है कि एंग्लो ईस्टर्न जो है वो ओल्डन डॉफ के कुछ जहाज़ों के लिए मैनिंग का काम भी करती है। मतलब एंग्लो ईस्टर्न एक मैनेजमेंट कंपनी है जो कि मैनिंग का भी काम करती है। मतलब मोस्टली जितने भी मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो किसी कंपनी के मतलब ओनर्स का जहाज बेयर बोट पे ले लेते हैं, मतलब पूरा मैनेज करने के लिए ले लेते हैं, या फिर मैनिंग का भी लेते हैं। तो वैसे ही एंग्लो ईस्टर्न, हमको जहाँ तक सुनने में आया है कि एंग्लो ईस्टर्न ओल्डन डॉफ के कुछ जहाज पे मैनिंग करती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर एंग्लो ईस्टर्न के थ्रू भी ओल्डन डॉफ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा चीज़ हमको ओल्डन डॉफ के बारे में ये लगा, इनका जहाज, मतलब क्या बताएं। पहले तो हम जब मोस्टली हम जब कैडेट थे तो इंडियन कोस्ट से गल्फ जाते थे और अफ्रीका जाते थे, उसमें ही हमको ओल्डन डॉफ का बहुत सारा जहाज दिखता था। तो वो सब तो ठीक था, दूर दूर से देख के मतलब ठीक था, बट जब हम पहुँचे बहरीन, बहरीन में हम गए थे डिस्चार्ज करने के लिए आयरन और पैलेट्स, और वहाँ पर नज़दीक से देखे हम ओल्डन डॉफ के जहाज को। मतलब मेरा जहाज लगा हुआ है, उसके जस्ट बगल में जहाज लगा हुआ है, इतना जबरदस्त जहाज, रेड कलर का पूरा जहाज था, उसके पास खुद का उनका क्रेन, उनका शूटर, सब कुछ खुद का ही।
और वो देखने में भी इतना जबरदस्त लग रहा था, मतलब किसी को भी देख के उस जहाज से प्यार हो जाए। बल्क कैरियर था, 5 होल्ड वाला बल्क कैरियर था, बहुत जबरदस्त। मतलब उस जहाज को देख के हम उसी दिन डिसाइड किए कि इस कंपनी में कभी ना कभी तो सेल करना है। देखते हैं क्या होता है, कभी सेल करने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। बट हाँ, अगर अच्छा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ये कंपनी क्रेडिट लेती है इंडिया से। जहाँ तक हमको पता चला है, मतलब लास्ट ईयर टेलीग्राम पे जब एक लड़के से बात हो रहा था मेरा, तब हमको पता चला कि एमिट ने ओल्डन डॉफ 5 बच्चे ली, बीएससी के 5 कैंडिडेट को ओल्डन डॉफ ली थी। सो चांसेस बन सकता है एमिट के थ्रू भी, मतलब ओल्डन डॉफ वहाँ गई थी प्लेसमेंट के लिए एमिट में, तो वो मौका मिला सिर्फ टॉपर्स को, मतलब जो वहाँ पे अच्छा रैंक स्कोर करते हैं फर्स्ट ईयर में जो किए थे, वो सेकेंड ईयर में जाते ही उनको ओल्डन डॉफ इंटरव्यू ली और 5 बच्चे सेलेक्ट की थी। सो एमिट के थ्रू भी चांसेस बन सकता है ओल्डन डॉफ में, और हमको लगता है कि आगे चल के ओल्डन डॉफ और भी इंस्टीट्यूट में विजिट करेगी, क्योंकि इंडियन ऑफिसर्स के साथ जो कंपनी एक बार सेल करती है, मतलब लेती है, वो कंपनी इंडियंस प्रेफर करती है। क्यों? क्योंकि इंडियंस काम करने में, मीन इंडियन ऑफिसर परफेक्ट होते हैं, मतलब इनके जैसा आदमी मतलब कहीं मिलेगा ही नहीं। मतलब एक बार काम दे दो तो वो करके ही मानते हैं। बाकी दूसरे क्रू जो होते हैं, जैसे रशियन, यूक्रेनियन, ये लोग अपने काम को लाइटली ले लेते हैं, बट इंडियंस ऑफिसर्स का क्वालिटी ही यही है कि काम मिल गया मतलब उसको ख़त्म करना है, अपना नाम बनाना है, अपना मार्क्स बनाना है, तो वो काम ख़त्म करते ही करते हैं। तो हो सकता है कि आगे चल के ओल्ड एंड ऑफ इंडियंस को मिले, ऐसे ही मुंबई में इनका ऑफिस है। ऐसे अभी तो हम कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि अभी थर्ड ऑफिसर है, सेकेंड ऑफिसर बनने के बाद एक बार ट्राई कर सकते हैं, एक बार क्या बार बार ट्राई करेंगे। ऐसे सैलरी की बात करें ओल्ड एंड ऑफ की, तो जहाँ तक हमको पता चला थर्ड ऑफिसर की सैलरी $3,000 से लेके $3,600, मतलब $3,600 तक है। सेकेंड ऑफिसर की सैलरी 4,000 से लेके $4,600 है। चीफ ऑफिसर 7,000 to 9,000 एंड कैप्टन 10,000 to 12,000 डॉलर, ये है उनकी ओल्ड एंड ऑफ की ऑफिसर्स की सैलरी। कैडेट का जहाँ तक हमको पता चला, कैडेट को करीब 500 to 600 USD मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है। तो ट्राई करो, देखो कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है। ऐसे एक चीज़ और कर सकते हो कि मतलब ये सिर्फ लक का ही बात होगा, ओल्ड एंड ऑफ का ईमेल आईडी निकालो, उसमें रिक्वेस्ट करो, उनको मेल करो कि तुमको स्पॉन्सरशिप चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, तो देखो कहीं किस्मत में हो तो मिल जाएगा। चलो इसी के साथ आज ओल्ड एंड ऑफ का ये किस्सा खत्म करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।